हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिम्मी ने आप लोग चैनल पर। और दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 10। फिलहाल आज कहीं पर जाने वाले हैं, कोटा जाने वाले हैं, क्योंकि आज है बर्थडे सेलिब्रेशन। और किसका बर्थडे वो आपको आगे पता लग जाएगा, तो व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन कोटा जाने वाला है। तो आप लोगों को बता दें कि आशा मैम, जो कि यहां पर 12 के अंदर TI के पद पर रह चुकी हैं, उनके बेटे का आज जन्मदिन है। उनके बेटे का नाम है पार्थ, तो आज उसका बर्थडे है, सेकेंड बर्थडे है। 2 साल कंप्लीट कर लिया है पार्थ ने, तो फिलहाल उसी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं कोटा, क्योंकि कोटा में होटल वगैरह बुक की हुई है मैम ने। और जो पार्थ के पापा और दादाजी है वो ऑलरेडी कोटा पहुंच चुके हैं, कोटा के अंदर है, और यहां से जाने वाले हैं आशा मैम, मैं और पार्थ, और जो पार्थ की नानी है जो आशा मैम की मम्मी है वो, और सतीश भैया, चेतन भैया, मतलब 2-3-4 लोग और जाने वाले हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में, बहुत ही स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। तो बस चलिए दोस्तों, फटाफट से तैयार वगैरह हो जाते हैं और निकलते हैं कोटा के लिए। साथ ही आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अभी आई फ्लू बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसलिए अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। मतलब अगर आपको आई फ्लू वगैरह हो चुका है तो आप लोग चश्मे वगैरह का इस्तेमाल करें, बिना चश्मे के ना रहें, क्योंकि इससे क्या है दूसरों की आंखों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, मौसम एकदम से बदला है, तो मौसमी बीमारियां भी स्टार्ट हो चुकी है, तो इस तरीके का आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए तैयार वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि कोटा भी निकलना है सही समय पर, क्योंकि मैम ने फोन कर दिया है 12:30-1 बजे करीबन हम लोग कोटा के लिए निकल जाएंगे। तो बहुत ही मजेदार व्लॉग होने वाला है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से हो जाते हैं तैयार। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग कोटा के लिए निकल चुके हैं, और ये हाईवे रोड है 12 से कोटा का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर आशा मैम है, और जो आशा मैम का जो बेटा है पार्थ, आज उसका बर्थडे है, तो उसी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं कोटा। और सतीश भैया गाड़ी चला रहे हैं, साथ में जो पीछे बैठे मेरे साथ वो चेतन भैया और मैं, हम लोग पीछे बैठे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कोटा में एंट्री ले चुके हैं। तो कोटा में मैम ने यहाँ पर होटल वगैरह बुक किया हुआ है, तो वहीं बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा पार्थ का। तो बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट होने वाला है, किस तरीके से क्या कुछ स्पेशल होने वाला है, वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोटा, तो फटाफट से पहुंचते हैं होटल में और आपको डायरेक्टली मिलते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग कहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि बर्थडे है तो केक तो बनता है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं यहाँ पर केक की शॉप पर, तो यहाँ पर काफ़ी सारे केक थे, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें कौन सा केक लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर आशा मैम और हम सब डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि केक कौन सा लें। तो चलिए दोस्तों, आप भी बने रहे वीडियो में, वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग केक सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको वापस इस वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग केक लेकर पहुंच चुके हैं होटल में, और इस होटल का नाम है रॉयल जलसा, और ये होटल है जो एरोड्राम सर्किल के आसपास है। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं केक लेकर के, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पार्थ है उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए होता है खेलने के लिए स्पेस, और वो इस होटल में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया था पार्थ को। और यहाँ पर आप लोग होटल के अंदर का व्यू देख सकते हैं, तो ये जो होटल के अंदर का व्यू है, ये सेकंड फ्लोर का व्यू है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया हुआ है, डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ का। और साथ के साथ आप लोगों को बता दी कि जो यहाँ का स्टाफ है वो भी काफ़ी अच्छा स्टाफ है, मुझे सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मैनेजर हो गए, यहाँ जिनकी होटल है वो, जो होटल के मालिक हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर मतलब पार्थ को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि स्पेस भी काफ़ी अच्छा था यहाँ पर, और जो यहाँ पर पौधे लगाए हुए थे उनके अंदर रंग बिरंगे स्टोन रखे हुए होते हैं। आप लोगों ने मछली के पोर्ट में भी देखे होंगे, जो फिश पोर्ट आता है उसके अंदर भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते होंगे इस तरीके के स्टोन। तो ये स्टोन हर पौधों में रखे हुए थे, तो पार्थ को जहाँ कहीं भी ये स्टोन दिखते तो पार्थ उनको उठा करके और बाहर फेंकने लग जाता। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था इसको, पार्थ को यहाँ पर मस्ती करने के लिए। तो यहाँ पर जो होटल का व्यू है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून देने वाला। और यहाँ पर अगर फोटोग्राफी के हिसाब से भी अगर कोई पहुँच जाता है तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी,
और काफ़ी अच्छा मतलब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ये वाला होटल। तो अगर आप लोग बर्थडे सेलिब्रेशन या आप मैरिज एनिवर्सरी वगैरह कुछ भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि कोटा के अंदर आप इस होटल में ज़रूर जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब हम लोग 12 से आए थे, तो 12 से ही हमारे साथ जो आशा मैम की मम्मी है और जो पार्थ की नानी है वो हमारे साथ ही आई थी। और यहाँ पर होटल में पहुँचने के बाद यहाँ पर जो पार्थ के पापा हैं और पार्थ के जो दादा हैं वो भी हमें मिल गए थे, यानी कि जो आशा मैम है उनके हस्बैंड और ससुर जी वो भी यहाँ पर होटल में थे। तो सब लोग मिलकर के बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पर, तो यहाँ पर बार वगैरह भी बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बर्थडे बॉय है वो फिलहाल यहाँ पर डांस कर रहा है और यहाँ पर आशा मैम देख लीजिए आप जो पार्थ है ना उसको खिला रही हैं, क्योंकि मैम की ड्यूटी ऐसी है सुबह मैम जल्दी निकल जाती है और शाम को लेट का पता नहीं है कि मैम कितनी लेट तक आएंगी। तो यहाँ पर आप लोग पार्थ को देख सकते हैं कि पार्थ मतलब एक जगह टिकता ही नहीं है किसी के पास, पार्थ को चाहिए मतलब फ्रीडम एकदम खुले में घूमना करना मस्ती करना। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है पार्थ की नानी और यहाँ पर पार्थ आप लोग देख लीजिए कितना फ्रीडम मतलब इंजॉय कर रहा है अकेला ही, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे खेलने की ज़रूरत है किसी के साथ, ना उसके साथ कोई खेले, वो अकेला ही अपने आप में मस्त है मस्त मोला। तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको अभी होटल का व्यू बता रहे हैं कि होटल किस तरीके से, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पार्थ के पापा हैं वो भी आ चुके हैं। तो मतलब ये पूरा का पूरा व्लॉग है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और ये है पार्थ के दादाजी यानी कि जो आशा मैम है उनके ससुर जी, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, जो आशा मैम के हस्बैंड है और जो दादाजी हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि बीच बीच में क्या है कि हर जगह हम शूट नहीं कर पाए। जैसे हम लोग पहुँचे होटल में तो जो पार्थ के पापा हैं उन्होंने मुझे मिठाई वगैरह खिलाई, सबको मिठाई वगैरह खिलाई, जितने भी थे उनको मिठाई खिलाई, स्टाफ को मिठाई खिलाई। यहाँ पर अभी जो पार्थ है वो अब अपनी ड्रेस चेंज करने वाला है क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो शाम की ड्रेस यहाँ पर पहनाई जा रही है पार्थ को। तो फिलहाल यहाँ पर पार्थ को कपड़े वगैरह पहनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पार्थ ने जैकेट वगैरह डाल ली और एकदम सूट बूट पहन के मस्त सा हीरो सा बन गया हमारा पार्थ। और यहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं ऊपर क्योंकि जो केक कटिंग वगैरह है वो सब कुछ ऊपर होने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग चेतन भैया को देख सकते हैं हाय हेलो कर रहे हैं, यहाँ पे सतीश भैया भी हैं जो भी हाय हेलो कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो डांस वगैरह चल रहा है पार्थ का, तो यहाँ पर जो पार्थ के पापा हैं वो यहाँ पर ताली वगैरह बजा रहे हैं और पार्थ यहाँ पर डांस वगैरह कर रहा है। तो आप इस पल को इस मोमेंट को इंजॉय करिए, मिलते हैं आपको वापस से इसी व्लॉग में। तो दोस्तों आज पार्थ का सेकंड बर्थडे है और पार्थ को मैंने मतलब काफ़ी छोटा था पार्थ जब हुआ था ना उस टाइम पर मैंने देखा था, और पूरे आज 2 साल बाद अब देख रहा हूं मैं। तो फिलहाल यहां पर सब लोग आ चुके हैं, जो जो लोगों को आना था वो लोग आ चुके हैं। तो यहां पर अब बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है, तो फिलहाल यहाँ पर अभी मस्ती वगैरह चल रही है पार्थ की अपने मम्मी पापा के साथ में। तो ये मोमेंट बहुत कम कैप्चर हो पाते हैं दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये सुनहरे पल अपने वीडियो में कैद कर लिया। और अब कुछ ही देर में हम लोग केक की कटिंग करने वाले हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम से होने वाला है, तो आपको भी मज़ा आने वाला है व्लॉग में। तो यहाँ पर केक वगैरह अभी जमा दिए गए हैं, अब इनमें जो मोमबत्ती वगैरह है वो लगाई जाएगी यहाँ पर, फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं किस तरीके से केक कटिंग वगैरह होता है, तो उसी तरीके से होगा। पर यह है कि बर्थडे का अंदाज कुछ अलग ही स्पेशल तरीके से होने वाला है, तो यहाँ पर अब हम लोग मिलकर करते हैं केक कटिंग। तो चलिए दोस्तों आप भी शामिल हो जाइए इस बर्थडे पार्टी में, क्योंकि आप लोग जब हमारी फैमिली मेंबर हैं सारे के सारे, तो आप लोग तो खैर शामिल हो ही सही क्योंकि हम आप लोगों के साथ ही इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये पार्थ का बर्थडे है और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हैप्पी बर्थडे पार्थ। तो यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि अब सारी की सारी तैयारियाँ हो चुकी है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से काटते हैं केक और इन्जॉय करते हैं इस मोमेंट को। Thank you.
तो दोस्तों यहाँ पर पार्थ मुझे केक खिला रहा है, लेकिन आप लोग देखिएगा जैसे ही मैं पार्थ को केक खिलाने लगा तो पार्थ ने मना कर दिया मुझे नहीं खाना। कितनी बार मना किया आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी पार्थ की, क्योंकि शुरू से सब लोग केक खिलाए जा रहे थे, वो सबको केक खिला रहा था और सब उसको केक खिला रहे थे, तो उसकी अब इच्छा ही नहीं हुई केक खाने की, तो शायद पेट भर चुका था उसका। और यहाँ पर हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं बर्थडे को, आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे, ये सतीश भैया और चेतन भैया वगैरह, तो हम सब लोग इन्जॉय करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल केक कट हो चुका है, और आप लोगों को पता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है केक कटिंग के बाद में फ़ोटोग्राफी। तो यहाँ पे अभी सब कुछ वही होने वाला है, सब लोग अभी फ़ोटोग्राफी वगैरह करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आशा मैम, पार्थ और पार्थ के दादाजी और पार्थ के पापा, यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह चल रही है अभी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम सब साथ में हैं, तो इतने ही लोग वहाँ पर मौजूद थे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पार्थ एक जगह बैठ गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था वो इधर उधर भाग भाग के, लेकिन फिर भी अभी भी मस्ती करना कम नहीं हुआ है पार्थ की। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर के टॉप फ्लोर पर, तो वहाँ से आपको बताएंगे कि किस तरीके से होटल का व्यू नज़र आ रहा है और किस तरीके से कोटा का व्यू नज़र आ रहा है, कोटा सिटी का व्यू नज़र आ रहा है, वही सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को होटल का नाम बता देता हूँ, होटल का नाम है रॉयल जलसा और काफ़ी अच्छी होटल है। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी मनाना है तो आप लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आएँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर का जो टॉप फ्लोर का व्यू है वो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ से अगर आप कोटा शहर को देखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह। तो यहाँ पर अभी मैम और पार्थ दोनों बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये वाला व्लॉग था वो बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि पार्थ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आशा मैम मुझे भाई की तरह मानती है, और आप यूँ समझ लीजिए पार्थ मेरा भांजा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब खाना खाने वाले हैं, क्योंकि हमें फिर 12 के लिए भी निकलना है, क्योंकि हम लोग रात के 12:30 एक बज गए थे हमें, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग खाना खा करके निकलने वाले थे। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल निकल रहे हैं 12 के लिए, हमने खाना वगैरह खा लिया है, लेकिन बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो गई थी इसलिए हम लोग बता नहीं पाए। तो दोस्तों आपको व्लॉग कैसा लगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।